उन रोटी खाएंगे, जिंदगी मगध में बिताएंगे, साथ रहेंगे और मगधे में रह जाएंगे। बोलो कहाँ? ठीक है, ठीक है ना। तो कितना जा सकते हैं मगध की धरती पर? सात राजवंश है, इसमें सबसे पहला वंश है हर्यक वंश। बोलो कौन वंश? हर्यक वंश। अब वंश समझ में आया? वंश का मतलब कोई खानदान और इसके अंतर्गत कई राजा बनेंगे, इसे क्या बोलेंगे? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद जो वंश आएंगे ना, उसे हम कहेंगे शिशुनाग वंश। बोलो कौन वंश? शिशुनाग वंश। बोलो भाई कौन वंश? शिशुनाग। तो पहले कौन वंश? हर्यक। हर्यक के बाद शिशुनाग। बोलो पहले कौन वंश? हर्यक। हर्यक के बाद शिशुनाग वंश के बाद जो आएंगे उसका नाम है नंद वंश। बोलो क्या नाम है? नंद वंश। और नंद वंश के बाद जो वंश आएंगे उसका नाम है मौर्य वंश। बोलो भाई कौन वंश? मौर्य वंश नाम है। बोला करो कौन वंश आपका? मौर्य वंश के बाद जो वंश आएंगे उसका नाम है शुंग वंश। बोलो कौन वंश? शुंग वंश के बाद जो आपका वंश आएंगे उसका नाम है कण्णव वंश। बोलो कौन वंश? और कण्णव वंश के बाद जो वंश आएंगे उसका क्या नाम है? सातवाहन वंश। बोलो कौन भाई? सातवा। तो कितना वंश हो गया? सात। तो मगध में कितना वंश? सात। बोलो मगध में सात। वो पहले भारतीय सिनेमा में गीत आया था, इंडिया हिंदी फिल्म में शायद आया था, जिए मरेंगे सात दुनिया याद करे, हम सातों जन्म पढ़ते रहेंगे प्यार, कुछ से था ना। अब उसको सुनवे कौन करता? सब भुला गया, क्यों बजो नहीं करता टेम्पो वम्पो में। सातों जन्म जियेंगे, अच्छा सात जन्म जियेंगे लोग, यहाँ सात दिन में मार हो जाता है, यहाँ कितने जन्म के बाद चल रहा था सात जन्म। तो भाई सात जन्म केरा खातिर कहता है? उनकी जो जीने वाली जो है या जीने वाला जो आएगा, चलो बढ़िया होना चाहिए, और भगवान टाइप से कौन जीना चाहता है सात जन्म? सात दिन मगा पड़ेगा। तो भाई आपका जो मसूक है ना, मसूका, बोलो कौन भाई आपका? उतने हसीन होना चाहिए तो ना सात जन्म जिए, गनवा उसी के निकलेगा। तो भाई आपका तो पूरा क्या बोलना, हसीन मसूक। बोलो मसूक का कैसा रहा? तब उसके लिए आप गीत गाइए कि सात जन्म हम तोरा खातिर जिएंगे। तो बोलो कौन मसूक आपका? हसीन मसूक सात। एक बार आप बोलो, हसीन मसूक सात। फिर से बोलो, क्या बोलना? हसीन मसूक सात। तो ह से सी से न से म से सु से क से सा न है, समझ रहे हैं ना? और सा से सात से आ? अब सुनो, सातों जन्म जिएंगे, सात जन्म निभाएंगे, नम रहना है आपका। हसीन कैसा होना चाहिए? हाँ तो बोलना हसीन मसूक सात। बोलो फिर से, अगर मसूका हसीन है तो हम उसके लिए गाना गाएंगे कि सातों जन्म जिएंगे मरेंगे और कहाँ रह जाएंगे, ठीक है? हाँ तो बोलो, ह से बउआ, सी से बाबू, न से बोलो, म से बोलो, सु से जी, क से बोलो, सात से बोलो, सातवाहन वंश। बोलो सात से क्या? तो क्या बोलना? हसीन मसूक सात, हसीन मसूक सात। बोलो फिर से, हसीन मसूक सात। मसूका अगर हसीन रहेगा तो सात जन्म निभाएंगे और मगध में अनून रोटी खाएंगे, यही परब उरब मनाएंगे। ऐसे कुछ गाना था ना पहले को, ठीक है? हाँ ठीक है वाला। तो बोलो ह से कौची, असी से और न से हम से असु से क से असात से। तो बोलो मगध में कुल कितना राजवंश याद रहेगा? क्या ट्रिप बोलना है सब लोग? बोलो क्या बोलना है? ह से सी से न से म से सु से क से सा से। कन्फर्म? कन्फर्म? फिर से बोलो हसीन, फिर से बोलो हसीन, फिर से बोलो हसीन मसूक। कहाँ रहना है? नून रोटी खाना है, छठ आइए रहा है, उससे पहले होली मनाना है और फुलौड़ी खाना है, याद रहेगा हसीन मसूक। अब इसमें सबसे पहला वंश कौन है? लेकिन रियल सोचो, अलग बात है कि बड़ा बनेगा ये,
लेकिन वंश का शुरुआत वृद्धत किया था कि नहीं? अलग बात है छोटे किया था, पर किया था ना। अरे भाई जो लाइट बनाया होगा पहली बार बल्ब का आविष्कार किया वही मेन है। अब वो लाइट को मरकरी बना दीजिए, ट्यूबलाइट बना दीजिए, वेपर लाइट बना दीजिए, जे मन करे जे बना दीजिए, लेकिन लाइट का शुरुआत कोई ना कोई किया होगा शुरू में। साइकिल हाँ, साइकिल का आविष्कार जो भी किया होगा जब मस्त वही है ओरिजिनल हीरो। बाद में रेंजर बना दीजिए, डेंजर बना दीजिए, वो डेंजर मोना है शायद कौन तो कुचित है वो पगली कह के खूब गरियाती सब सबके तो नहीं है वो डेंजर मोना जी, वो मोट तो भैंस नहीं लगती है वो तो पहले ही सी। तो आपकी रेंजर डेंजर घेंजर फेंजर वो बाद साइकिल गियर वाला भी आता है नहीं आता है? मेरा टाइम में गियर वाला साइकिल आ गया था, गियर वाला दो गो लड़की पढ़ती थी हमने के क्लास में गियर का साइकिल सब गियर साइकिल से लो हम अन्य कैसन गियर साइकिल कुछ नहीं था चैनवा ऐसा था वो ऊपर थे ऐसा हॉल था आपको जी था और हमें हम लोग देखे गए थे क्लास छोड़ के क्वेश्चन गियर साइकिल कैसा होता है हमने लगा कि भाई हुर मारे उड़ जाएगा हुर मारे उड़ता उड़ता कुछ नहीं था सब ठीक था। अरे गियर देना पड़ता है तो ऐसी गियर नाम क्या है गियर साइकिल कल गियर देना पड़ता था जी ससुरार ससुरार है आप साली हैं ना ना ठीक है तब बोलो हाँ से बोलो हरिया सी से ना से माँ से सु से का से सा से हाँ तो हसीन कैसन होना चाहिए मसूक सात जन्म निभाएंगे बोलो हाँ से असी से ना से नांद मसे मोर सुन कंसत क्लियर हो गया।